चंद्रयान 3 की सफलतापूर्ण लैंडिंग के बाद आज आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो चुकी है और भारत ने फिर से अंतरिक्ष की दुनिया में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के निदेशक डॉक्टर अनिल यादव जी हैं। सर, बड़ी उपलब्धि, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने फिर से अपना एक नाम स्थापित किया है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर आपकी? देखिए, चंद्रयान 3 के बाद इतने अल्प समय में एक इतना बड़ा मिशन पे हमें कामयाबी मिलना, उसका सफल प्रक्षेपण करना एक बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले केवल 2 ही देशों ने इसका सफल प्रक्षेपण किया है। और ये दर्शाता है कि भारत की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ जो स्पेस साइंस के अंदर हैं वो निरंतर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सर, एक बहुत ही कम समय के बाद एक दूसरा इस तरह का मिशन लॉन्च करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा? देखिए, ये कोई भी स्पेस प्रोग्राम जो होता है बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, उसमें कई साल की तैयारी लगती है, कई सौ की संख्या में वैज्ञानिक दिन रात उसके ऊपर काम करते हैं, उसके अंदर एक जटिल मैथमेटिक्स होता है जिसके आधार पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ से जो 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट के एग्जैक्ट उस पॉइंट पर पहुँच के हमारा जो अंतरिक्षयान है वो वहाँ पर पहुँच के उसका सफल टेस्टिंग शुरू कर सके। सर, अब जब ये चुनौतीपूर्ण काम हो चुका है तो आप अपनी तरफ से वैज्ञानिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम इसरो के वैज्ञानिकों को और उसके साथ भारत की जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान है जो इस मिशन के साथ जुड़े हुए थे, हम उन सभी के वैज्ञानिकों को और देश के सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि हम इसी तरीके से आगे स्पेस मिशन में कामयाब होते रहें। ये निश्चित रूप से वैज्ञानिकों की ही मेहनत है जिससे भारत नित्य एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। लखनऊ से भी वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उत्साह का माहौल है। दुर्गा शर्मा के साथ विवेक कश्यप, DD News लखनऊ।